किया जाए। गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, कल आपका वेक्टर में लेसन खत्म आपका हुआ था, आज आपका वेक्टर के ऑब्जेक्टिव का बात है। तो चलिए हम लोग वेक्टर के ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। चलिए वेक्टर के ऑब्जेक्टिव में चलिए। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन में कहता है इफ वेक्टर ए बराबर 2i कैप -3j कैप -k कैप और वेक्टर बी बराबर i कैप +4j कैप -2k कैप, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज। पहला ऑप्शन है 10i कैप 2j कैप और 11k कैप, दूसरा ऑप्शन है 10i कैप 3j कैप और 11k कैप, तीसरा है 10i कैप -3j कैप 11k कैप और चौथा है 10i कैप -3j कैप -11k कैप। ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव है। चलिए, तो कल आपका लेसन खत्म हुआ था कृष्णा एनसीईआरटी से और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चल रहे हैं। और आज अगर ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हुआ तो कल हम लोग क्वेश्चन बैंक पे आएंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव खत्म होने में आज और कल 2 दिन टाइम लगा तो संडे को क्लास श्योर होगा जिसमें क्वेश्चन बैंक पे आएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपको लेसन का आप तैयारी किए हैं, थ्योरी अगर आपको याद है तो ऑटोमेटिक है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान देना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान क्या होगा ये चारों ऑप्शन में। तो आपको पता है कि अगर दो वेक्टर दिया गया है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं ये आपको पता है। पहले वेक्टर में आएंगे तो आई कैप का कोफिशियंट 2j कैप का -3k कैप का -1, दूसरे वेक्टर में आएंगे आई कैप का 1j कैप का 4 और के कैप का -2 है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, आई कैप बाहर करोगे -3 -1 -4 और क्या -2। फिर देखिए जे कैप बाहर करेंगे 2 1 -1 -2 और उसके बाद देखिए जब हम लोग के कैप को बाहर करेंगे तो 2 -3 1 और 4 आएगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ये आपका 6 और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें आप आओगे तो -4 + 1 और इसमें आप आइएगा तो 6, ये 4 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 8 - 3 तो +3 हो जाएगा। तो देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 10i कैप और यहाँ -4 + 1 -3 और -2 तो प्लस हो जाएगा 3j कैप और +11k कैप। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा था, दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है और दोनों का क्रॉस ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो दोनों वेक्टर का क्रॉस मैंने निकाला तो 10i कैप + 3j कैप + 11k कैप निकला और ये किस ऑप्शन में है, ये आपका बी नंबर में है। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। तो तेजम जरा स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन में कहता है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी देन मॉडुलस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कहता व्हेन थीटा इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन दिया गया है जीरो, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पाई बाय फोर, तीसरा ऑप्शन है पाई बाय टू और चौथा ऑप्शन है पाई। ये आपका मेरे तरफ से दूसरा ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन में कहता है कि दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया गया है थीटा, और साथ में कंडीशन है कि वेक्टर ए डॉट बी का मॉडुलस बराबर है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की। तो इस स्थिति में दोनों वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा ये निकालना है। तो जरा ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हमने पहले बोला कि थ्योरी नियम अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप जानते हो यहाँ डॉट है तो डॉट प्रोडक्ट के अनुसार ए बी कॉस थीटा होगा और क्रॉस प्रोडक्ट के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि ए बी साइन थीटा होगा। तो ये सब आपको तभी समझ में आएगा जितना आपको लेसन में मैंने बताया है, जितना थ्योरी बताया है, क्वेश्चन बताया है, प्रैक्टिस है, क्लास आपका रेगुलर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ए बी कॉस थीटा और क्रॉस में क्या होगा ए बी साइन थीटा। देखो ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बचा, कॉस थीटा है साइन थीटा को आप इधर लाओगे तो इसके नीचे होगा इधर वन बच जाएगा, और कॉस बाय साइन जो है आप जानते हो कॉट थीटा होता है, और आप जानते हो वन कॉट में कितना पाई बाय फोर 45 का मान होगा तो थीटा बराबर क्या होगा पाई बाय फोर निकल जाएगा। तो क्या नंबर आंसर होगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जरा तेजी में स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर थ्री। द वैल्यू ऑफ आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे इज ए का ऑप्शन है जीरो, बी का माइनस वन, सी का वन और डी का है थ्री। देखिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपको थ्योरी याद है तो आपसे बनेगा और नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो यहां देखिए ये टोटल का वैल्यू, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा,
तो आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप और जे कैप डॉट आई क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई क्रॉस जे। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए थ्योरी आपको याद रहना चाहिए जो क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद है तो बनेगा, याद नहीं है तो हम पहले बोल रहे हैं बार बार कि नहीं बनेगा। आपको मैंने बताया था कि आई क्रॉस अगर आई है या जे क्रॉस जे है या के क्रॉस के है, अगर ये सेम है तो जीरो होता है, और अगर आई क्रॉस जे है तो के कैप होता है, जे क्रॉस आई है तो माइनस के कैप हो जाता है, अगर जे क्रॉस के कैप है, जे कैप क्रॉस के कैप है, ये आपका क्या होता है आई हो जाता है, लेकिन के कैप क्रॉस जे कैप होगा तो माइनस आई, फिर के कैप क्रॉस आई कैप होगा तो जे कैप हो जाएगा, लेकिन आई क्रॉस के होगा तो माइनस जे हो जाएगा। तो ये अगर आपको दो चार छ, ये छो अगर याद है तभी आपका ये सोल्व हो पाएगा, अगर ये छो याद नहीं है तो आपका सोल्व नहीं हो पाएगा। तो ये सारा चीज आपको थ्योरी में बताया गया है। देखिए ध्यान से, यहाँ आई कैप डॉट है जे कैप क्रॉस के कैप, तो देखिए जे कैप क्रॉस के कैप बराबर क्या है आई कैप, तो इसके जगह पर क्या आ जाएगा आई कैप। फिर आप यहां ध्यान दीजिए आई कैप क्रॉस के कैप, यहां देखो आई कैप क्रॉस के कैप क्या है माइनस जे कैप, इसके जगह पर क्या आ जाएगा माइनस जे कैप। फिर देखिए यहां देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप का मान क्या है के कैप, यहां पर क्या आ जाएगा के कैप। अब दूसरा देखिए ये डॉट आ गया, क्रॉस में सेम वेक्टर है तो उसका मान जीरो होता है, क्रॉस में अगर सेम वेक्टर है तो उसका क्रॉस का मान जीरो हो जाएगा, लेकिन डॉट में तो ऐसा बात नहीं होता है। अगर आपको याद होगा तो डॉट में जाओगे, चूंकि ये आई कैप जे कैप सब क्या है यूनिट वेक्टर, ये आई कैप जे कैप सब क्या है यूनिट वेक्टर है, इसके डॉट का मान क्या होगा वन, ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा वन, चूंकि यहाँ माइनस है ना, ये माइनस वन हो जाएगा, ये वन और ये वन, देखो प्लस माइनस वन कैंसिल होगा तो क्या बचा वन बचा, और वन क्या नंबर में है सी नंबर में है। जरा तेजी में हाथ चलाइए, हो गया। तीन के बाद क्वेश्चन नंबर चार में आप आइए, क्वेश्चन में कहता है लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ इफ ए नंबर में है थीटा बराबर पाई बाय फोर, बी नंबर में है थीटा बराबर पाई बाय थ्री, और सी नंबर में है थीटा बराबर पाई बाय टू, और डी नंबर में है थीटा बराबर टू पाई बाय थ्री। अब इस क्वेश्चन को
बनाने से पहले हम आपको एक बात कह देना चाहते हैं, आप ध्यान से पहले मेरे बात को आप समझ लीजिएगा, आप ध्यान से मेरे बात को समझ लीजिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। बात यह है कि कल हम किसी फिजिक्स वाले मास्टर का वीडियो देखे थे 5-10 मिनट, कल हम किसी फिजिक्स वाले टीचर का वीडियो हम देखे थे 5-10 मिनट, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फिजिक्स में खास करके जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है वो मैथ पर ही डिपेंड होता है। तो मैंने कल फिजिक्स वाले टीचर, कोई टीचर है बहुत अच्छा खासा नाम का टीचर है, हम लोग किसी का शिकवा शिकायत या बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो मैथ से रिलेटेड है इसलिए हमको ये बात बोलना पड़ रहा। तो हमने 5-10 मिनट वीडियो देखा था उस टीचर का, तो उसमें एक गलती चीज बताया गया है, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऑनलाइन में सही कर देते हैं। कारण है कि वो मैथ से रिलेटेड है, और जब मैथ से रिलेटेड है तो जब वो चीज गलत बताया गया है तो हमको बर्दाश्त हुआ नहीं, और हमने सोचा कि जिस समय 12th का बैच है उस समय अगर हमको इस बात का ध्यान रहा तो हम जरूर इस बात को रखेंगे कि वो गलत था, सही क्या होगा, क्योंकि वो मैथ से रिलेटेड है। अगर मैथ से रिलेटेड नहीं रहता, मैथ से रिलेटेड नहीं रहता तो इस बात को हम नहीं रखते। अब कौन टीचर है, कौन टीचर है, ये बात कहना ठीक नहीं है, और इसलिए हमको बोलना जरूरी है कि जो बच्चा मेरे यहाँ 11th से पढ़ा है, जो बच्चा मेरे यहाँ 11th से पढ़ा है वो चीज को मैंने बताया है ज्योमेट्री में, जो बच्चा मेरे यहाँ 11th से पढ़ा है उस चीज को मैंने ज्योमेट्री में बताया है, और उन्होंने फीस का जो टीचर है वो गलत बताया है, इसलिए हमको बोलना जरूरी पड़ जाता है। क्वेश्चन उसका ये था, कौन टीचर है उससे कोई मतलब नहीं है, जो बच्चा उसके पास पढ़ता होगा जैसे भी हम क्वेश्चन करेंगे, अगर आपने कल उसका क्लास किया होगा तो बात समझ में आ जाएगा। एक गणितज्ञ का नाम है जिसका नाम है रेने डेकार्ती, एक गणितज्ञ है जिसका नाम है रेने डेकार्ती, एक गणितज्ञ है जिसका नाम है रेने डेकार्ती, और रेने डेकार्ती बहुत बड़ा गणितज्ञ था। जैसे आप ज्योमेट्री का बात करते हो तो मैंने आपको बताया है कि ज्योमेट्री का जन्मदाता किसको कहते हैं, यूक्लिड को, जो मेरे पास 11 से पढ़ा उसको पता होगा कि ज्योमेट्री का जन्मदाता किसको कहा जाता है, यूक्लिड को, और उन्होंने ज्योमेट्री के क्षेत्र में एक ग्रंथ का निर्माण किया था। कितना क्या होता है कि अगर 1-2 फॉर्मूला का डिस्कवरी कोई कर देता है तो वो गणितज्ञ साइंटिस्ट कहलाता है, लेकिन यूक्लिड ने ज्योमेट्री के क्षेत्र में एक ग्रंथ का निर्माण किया था, और उस ग्रंथ का नाम मैंने आपको बताया था 11th में, उस ग्रंथ का नाम था एलिमेंट्स, एलिमेंट नहीं बल्कि एलिमेंट्स, और ये ग्रंथ जो है 13 पार्ट में बटा हुआ था, और दुनिया का सारा गणितज्ञ अभी तक मिलकर ये 13 पार्ट का खुलासा नहीं कर पाया, इस कारण से यूक्लिड को ज्योमेट्री का जन्मदाता कहा जाता है। उसी तरह से रेने डेकार्ते भी एक गणितज्ञ थे, उसी तरह से रेने डेकार्ते भी क्या थे, एक गणितज्ञ थे, और रेने डेकार्ते को 2D कोऑर्डिनेट, रेने डेकार्ते को 2D कोऑर्डिनेट का जन्मदाता कहा जाता है, रेने डेकार्ते को 2D कोऑर्डिनेट का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ज्यामिति, 2 विमीय नियामक ज्यामिति को विश्लेषणात्मक ज्यामिति भी कहते हैं, और उसको विश्लेषण करने का काम जो है रेने डेकार्ते ने ही किया था, इसलिए रेने डेकार्ते को 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जन्मदाता कहा जाता है। तो क्वेश्चन जो था फिजिक्स वाले टीचर का, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ये था फिजिक्स वाले टीचर का कि रेने डेकार्ते किस देश के रहने वाले थे, रेने डेकार्ते किस देश के रहने वाले थे। तो बहुत सारा बच्चा देखे उसके चैटिंग में, बहुत सारा बच्चा सही जवाब लिखा, लेकिन टीचर का कहना था कि रेने डेकार्ते इंग्लैंड के रहने वाले थे, लेकिन रेने डेकार्ते इंग्लैंड के रहने वाले नहीं थे, रेने डेकार्ते जो है फ्रांस के रहने वाले थे, कहां के, फ्रांस के रहने वाले थे, वो फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, रेने डेकार्ते जो है फ्रांस के रहने वाले थे, वो फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। तो ये चीज को आप सही कर लीजिएगा, हो सकता है कि सर से मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन चूंकि वो मैथ से रिलेटेड था इसलिए हमको बोलना पड़ा, चूंकि हमने बहुत सारे बच्चा को पढ़ाया है, तो अगर हम सही नहीं करेंगे, बीच में नहीं आएंगे,
तो बच्चा फिर हमको गलत समझ लेगा, केरा सर गलत पढ़ाए होंगे। नहीं, रेने डेकार्ते फ्रांस देश के रहने वाले थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। बात समझ में आ रहा? ये ध्यान रखिएगा कि रेने डेकार्ते जो है वो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। उन्होंने एक ज्योमेट्री के क्षेत्र में पुस्तक का निर्माण किया था जिसका नाम था ला ज्योमेट्री, जिसका नाम था ला ज्योमेट्री। रेने डेकार्ते ने 2D कोऑर्डिनेट के क्षेत्र में एक पुस्तक का निर्माण किया था जिसका नाम था ला ज्योमेट्री। इसीलिए रेने डेकार्ते को 2D कोऑर्डिनेट का जन्मदाता भी कहा जाता है। और रेने डेकार्ते इंग्लैंड का नहीं बल्कि फ्रांस देश के रहने वाले थे। रेने डेकार्ते इंग्लैंड का नहीं बल्कि फ्रांस देश के रहने वाले थे। बात समझ में आ गया? इस चीज को ध्यान में आप रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि वेक्टर ए वेक्टर बी दो यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी दो यूनिट वेक्टर है। तो जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों यूनिट वेक्टर है तो दोनों के मॉडुलस के मापांक का मान क्या होगा? 1 होगा। और साथ में थीटा जो है उसके बीच का एंगल है। तो क्वेश्चन में कहता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में आपको दिया गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर। और जब ये यूनिट वेक्टर है तो इसके मॉडुलस मापांक का मान क्या होगा? 1 होगा। और इसको हम अगर स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये देखिए मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इसको हम लोग वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में डॉट प्रोडक्ट में बताया गया था। फिर देखिए इसको हम डायरेक्ट ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर, और ए डॉट बी का मान आप जानते हो कि ए बी कॉस थीटा होता है। डॉट प्रोडक्ट के अनुसार वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। जरा ध्यान देना है ए का मान कितना है, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो ए का मान कितना? 1, बी का भी मान 1 प्लस 2 ए का मान 1 बी का मान 1 cos थीटा बराबर कितना? 1। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है तो जहां जहां पर ए और बी होगा उसका मान 1 हो जाएगा। फिर आप देखिए 2 प्लस 2 cos थीटा बराबर 1, तो 2 cos थीटा 1 माइनस 2 2 cos थीटा माइनस 1। तो ये देखो cos थीटा बराबर माइनस 1/2। अगर आपको पता होगा तो माइनस 1/2 जो है cos में 120 का मान होता है। तो 120 को लिखोगे तो क्या होगा? 2π/3 हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या निकलेगा? 2π/3। ये आपका डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जरा तेजी में स्क्रीनशॉट लो। जरा तेजी में। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कहता है ई थीटा इज द एंगल बिटवीन
टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ओनली ये आपका ए नंबर में है जीरो लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय टू बी नंबर में है जीरो लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू क्या पाई बाय टू और फिर आपका है जीरो लेस देन थीटा लेस देन पाई और उसके बाद जीरो लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू क्या पाई ये आपको दिया गया है। तो सिंपल सा देखो इसमें कुछ करना है ना, जो कंडीशन आपको दिया गया अगर उस कंडीशन पर अगर आप देखो ध्यान से तो कंडीशन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और इसको शॉर्ट मेथड में जाओ तो आप तरीका अगर अपनाइए कोऑर्डिनेट के अनुसार तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सेकेंड ये थर्ड और ये क्या फोर्थ अगर कोऑर्डिनेट पे जाओ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सेकेंड ये थर्ड और ये क्या फोर्थ आपको पता होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स जो है और वाई दोनों जो है जीरो से बड़ा या बराबर होता है दोनों पॉजिटिव में होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक आएगा जीरो से 90 डिग्री तक आता है। तो यहां पर देखिए वही कंडीशन दिया गया दोनों वेक्टर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है जीरो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट को और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक जीरो से पाई बाय टू तक तो जीरो से पाई बाय टू क्या नंबर में आएगा बी नंबर में तो खाली आपको बी नंबर को सही करना टिक मारना और कुछ करना नहीं है। जरा तेजी में स्क्रीनशॉट लीजिए चलिए आगे क्वेश्चन नंबर छह लेट द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी सच दैट मॉडुलस वेक्टर ए बराबर थ्री मॉडुलस वेक्टर बी बराबर रूट टू बाय थ्री और देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज पाई बाय सिक्स पाई बाय फोर और पाई बाय थ्री और पाई बाय टू। देखिए क्वेश्चन में यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी सच दैट मॉडुलस वेक्टर ए बराबर थ्री मतलब ए का मान आपका थ्री है बी का मान आपका रूट टू बाय थ्री है और साथ में कहता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर जब ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यूनिट वेक्टर है तो आपको बता है कि यूनिट वेक्टर के मॉडुलस मापांक का मान वन होता है और आपको थ्योरी में ये भी बताया गया कि मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है ए बी साइन थीटा होता है। अब देखिए ए का मान आपको थ्री दिया गया है बी का मान जो है रूट टू बाय थ्री दिया गया है और ये साइन थीटा कितना वन देखो थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा बराबर वन बाय रूट टू आएगा तो आप देखो साइन थीटा वन बाय रूट टू साइन पाई बाय फोर 45 का मान होगा तो थीटा बराबर क्या निकल जाएगा पाई बाय फोर। तो देखो पाई बाय फोर क्या नंबर में है
आपका बी नंबर में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विथ पोजीशन वेक्टर्स माइनस आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस फोर के कैप फिर आई कैप प्लस वन बाय टू जे कैप प्लस फोर के कैप फिर आई कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस फोर के कैप माइनस आई कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस फोर के कैप। और ऑप्शन आपको दिया गया है वन बाय टू, वन सी का मान है टू और डी है फोर। ये अच्छा क्वेश्चन नंबर सेवन होगा ना, ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सेवन। अब यहां देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं बल्कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है क्वेश्चन में। आज जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको बताया जा रहा है, पहला एक नंबर को छोड़कर जितना भी ऑब्जेक्टिव चल रहा है वो सारा का सारा आपको एनसीईआरटी में है, ये ध्यान में रखिएगा। सात नंबर जो ऑब्जेक्टिव अभी चलेगा तो एक नंबर छोड़ दीजिए, एक नंबर आपका एनसीईआरटी में नहीं, बाकी दो तीन चार पांच छह और ये सात सब एनसीईआरटी में है। तो यहां पर कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कोई रेक्टेंगल है आयत है और आयत में जो वर्टेक्स उसका है चार ठो ए बी सी डी, उसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है चारों। तो कहता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो रेक्टेंगल का एरिया अगर आपको निकालना है तो रेक्टेंगल किसकी तरह बिहेव करेगा, पैरेललोग्राम की तरह। रेक्टेंगल किसकी तरह बिहेव करेगा, पैरेललोग्राम की तरह। क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए तो रेक्टेंगल में आमने सामने का साइड क्या होता है, बराबर होता है। पैरेललोग्राम में भी आमने सामने का साइड पैरेलल और क्या होता है, बराबर होता है। तो रेक्टेंगल मतलब क्या, आयत का एरिया अगर आपको निकालना है तो रेक्टेंगल किसके तरह बिहेव करेगा, पैरेललोग्राम की तरह। तो ध्यान आप दीजिएगा, ये मान लीजिए कि आपका एक रेक्टेंगल है, ये मान लीजिए ए बी सी और क्या है डी है, और सबका पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है, सबका पोजीशन वेक्टर दिया गया है। तो यहां लिख देते हैं बाय पोजीशन वेक्टर। तो पहला अगर वेक्टर ओए आएंगे तो पहला देखिए क्या है, माइनस आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस फोर के कैप। दूसरा आ जाइए, दूसरा ओबी हो जाएगा, क्या है आपका आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस फोर के कैप। तीसरा देखिए ओसी बना दीजिए, चारों पॉइंट का दिया गया है आई कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस फोर के कैप। और चौथा आपका ओडी कर दीजिए, माइनस आई कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस फोर के कैप। कुछ करना है नहीं, हमने पहले बोला कि रेक्टेंगल जो है
वो किसके तरह बिहेव करेगा, पैरेललोग्राम की तरह। तो आपको ये दो साइड निकाल लीजिए, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी आप निकाल लीजिए, इसी से बन जाएगा। तो अगर हम लोग वेक्टर ए बी निकालेंगे तो ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। तो देखिए ओ बी का मान है आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस फोर के कैप माइनस ओ ए। ओ ए को माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। ये देखो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कि आपका वेक्टर ए बी बराबर आई, आई क्या हो जाएगा टू आई के। दो आसन्न भुजा, दो सन्निकट साइड आपको निकालना है, ए बी और क्या निकाल लिए ए सी। तो ए सी में आइए, ए सी निकालेंगे तो ओ सी माइनस ओ ए हो जाएगा। देखिए ओ सी वेक्टर क्या है आपका आई कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस फोर के कैप, फिर माइनस ओ ए होगा, किसका चिन्ह बदलेगा, ये प्लस आई कैप माइनस हाफ जे कैप माइनस फोर के कैप। आप देखिए यहाँ पे तो क्या कंडीशन बन रहा है आपका, ये फोर के कैप कैंसिल हो जाएगा, तो ये वेक्टर ए सी, ये देखो आई कैप और आई कैप हो जाएगा टू आई कैप माइनस हाफ माइनस हाफ, तो जोड़ोगे तो माइनस टू बाई टू कट के कितना होगा, तो माइनस जे कैप, दोनों का क्रॉस आप निकाल लीजिए, तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी टू आई कैप और टू आई माइनस जे, डायरेक्ट ही क्रॉस निकालो, डिटरमिनेंट पे जाने का जरूरत नहीं है। तो आप देखिए क्या होगा, आप जानते हैं कि क्रॉस में अगर सेम वेक्टर है तो उसका मान जीरो होता है, क्रॉस में अगर सेम वेक्टर है तो उसका मान जीरो होता है, तो आई को आप आई से क्रॉस करोगे जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखिए ध्यान से, टू आई कैप को माइनस जे कैप से करेंगे तो आई को जब जे कैप से क्रॉस करते हैं तो के आता है, क्योंकि माइनस है यहाँ पे माइनस दे देना है, ये माइनस क्या हो जाएगा के कैप। इस तरह से बात समझ में आ रहा है ना, आई को आई से करोगे तो सेम वेक्टर है तो जीरो होगा, और आई को जे से करते हैं तो के आता है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे दिए। अब जरा सा एरिया जब भी निकालते हैं पैरेललोग्राम का तो मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, और ए के जगह पर काम करेगा ए बी वेक्टर, बी के जगह पर काम करेगा ए सी वेक्टर। यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या खाली डायरेक्ट जगह है ना, खाली एरिया लिख देते हैं, तो मॉडुलस वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, ये देखिए माइनस टू के कैप हो जाएगा। आप जानते हो माइनस टू का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या होगा फोर होगा, फोर का क्या निकल जाएगा टू निकल जाएगा, तो फोर का टू निकल जाएगा, क्या नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए तेजी महा चलाइए, तेजी में चलिए क्वेश्चन नंबर एट कहता है एक वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा वेक्टर ए इज यूनिक वेक्टर इफ
ऑप्शन आपको दिया गया लेमडा बराबर वन, लेमडा बराबर माइनस वन, ए बराबर मॉडुलस लेमडा है और डी बराबर है ए बराबर वन बाय मॉडुलस लेमडा। देखिए ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या कहता है, इस लाइन पे आप आइए कि लेमडा वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि लेमडा वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर है। जब लेमडा वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है तो बोलिए इसके मॉडुलस का मान क्या होगा, मापांक का मान क्या होगा, वन होगा। दोनों को आप अलग अलग कर दीजिए, ये देखो मॉडुलस लेमडा और ये वेक्टर जो ए है इसका मॉड हटाएंगे तो डायरेक्शन भी खत्म हो जाएगा, तो ए बराबर वन बाय मॉडुलस क्या लेमडा डी। तो देखो क्या नंबर आंसर आएगा, डी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। हो गया, चलिए आठ नंबर के बाद आइए क्वेश्चन नौ पे। आठ नंबर के बाद क्वेश्चन नौ पे क्वेश्चन में कहता है एक वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल एबीसी रेस्पेक्टिवली देन वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए बराबर। ऑप्शन आपका है जीरो वेक्टर, फिर है टू ए वेक्टर, फिर है टू बी वेक्टर और फिर है थ्री सी वेक्टर। तो हम पहले बोले कि अगर आपको थ्योरी याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ी याद नहीं है तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बच्चा फंसता है। यहाँ क्या कहता है, यहाँ देखिए क्या कहता है, पहले ये देखो यहाँ कहता है एक त्रिभुज आपका है एबीसी, एक त्रिभुज आपका है ट्रेंगल है एबीसी और ये ट्रेंगल एबीसी का जो वर्टेक्स है एबीसी इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दिया गया है। यानी कह सकते हो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर आपका क्या है सी है। ठीक है, अब आपको हमने बताया था अगर आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट में किस तरह का फिगर बनता था, उसमें मैंने आपको सारा चीज समझाया है किस तरह का फिगर बनता था जिसमें आप एक्सटर्नल एंगल लेते थे। अगर यहाँ पर ए है ये आपका पाई माइनस ए होता था, ये बी है तो पाई माइनस बी होता और ये सी है तो पाई माइनस सी होता। इसमें हमने आपको कुछ समझाया था अगर आपको याद होगा तो, क्या हमने समझाया था जरा उस चीज को आप देखिए और समझिए। यहाँ पे कहता क्या है पहले वो आइए, यहाँ कहता है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, डायरेक्शन कैसा है तो वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी ए है, ए सी नहीं बल्कि सी ए, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए। और मैंने समझाया है कि ए के सामने वाला ये स्मॉल ए हो जाएगा, स्मॉल बी और ये स्मॉल सी हो जाएगा, मैंने समझाया। अब आप देखो जब डायरेक्शन ट्रेंगल में ए से बी, बी से सी, सी से ए है तो मैंने आपको वेक्टर में समझाया है डॉट प्रोडक्ट में आपको समझाया है कि जब ट्रेंगल में तीनों साइड का डायरेक्शन
सेम कंडीशन में चलता है, जब ट्रेंगल में तीनों साइड का डायरेक्शन सेम कंडीशन में चलता है, दैट मीन्स ए से बी, बी से सी और सी से ए के तरफ चलता है, तो उस स्थिति में ट्रेंगल के तीनों साइड का सम जो है जीरो के बराबर होता है। ट्रेंगल के तीनों साइड का सम जो है वो जीरो के बराबर होता है, किसके अनुसार? वेक्टर के अनुसार। तो आप सिंपल सा मीनिंग समझो, अगर आपका इस तरह से रहता, बाय द वे ये आपका ए बी और सी है, वेक्टर ए बी बी सी और ये मान लो ए सी रहता, तब आप लिखते क्या? तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर ए सी लिखते, क्योंकि डायरेक्शन ए से सी है और यहाँ सेम कंडीशन में ए से बी और बी से सी ही चल रहा है, लेकिन यहाँ क्या है? ए से बी है, बी से सी है और सी से ए है। यहाँ पर तीनों साइड का आप देख लो डायरेक्शन सेम कंडीशन में चल रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि ये तीनों साइड का सम जो है वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। और इसमें हम ये भी कंडीशन बताए थे, ए बी वेक्टर सी हो जाएगा, बी सी वेक्टर ए हो जाएगा, सी ए वेक्टर बी हो जाएगा, और इसी को हम लोग लिख देंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर जीरो। ये चीज आपको डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस दोनों में समझाए थे। यानी कहने का अर्थ है यहाँ जो पूछ रहा है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, तो तीनों का सम किसके बराबर होगा? जीरो वेक्टर के बराबर होगा, मतलब जीरो के बराबर, क्योंकि जीरो वेक्टर को सिर्फ जीरो से भी लिखा जाता है, जीरो वेक्टर को सिर्फ जीरो से भी लिखा जाता है। तेजी में स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में कहता है इफ द पोजीशन वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप और 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी, देन लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी, लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी रूट अंडर 14, रूट अंडर 29, रूट अंडर 43 और रूट अंडर 53 है। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ क्या कहता है, ये मान लीजिए कि लाइन आपका है ए और कितना बी, और ये दोनों का पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है, दोनों का पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है। पहला का पोजीशन वेक्टर है ओ ए का मान है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, और दूसरा ओ बी का पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। अब यहाँ पर ए बी निकालेंगे, क्योंकि ए वेक्टर ए बी का लेंथ निकालना, वेक्टर ए बी का लेंथ, वेक्टर ए बी का लेंथ का मतलब क्या? उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले वेक्टर आप ए बी निकालिए, तो वेक्टर ए बी निकालोगे तो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए हो जाएगा, तो देखो वेक्टर ओ बी हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप माइनस, और ओ ए को ओ ए के आगे क्या है? माइनस, तो ओ ए में माइनस करेंगे चिन्ह बदलेगा, ये 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये आप देखिए क्या होगा, वेक्टर ए बी 2i माइनस 3i, तो माइनस i हो जाएगा, 4j प्लस 2j ये 6j हो जाएगा, माइनस 3k माइनस k तो माइनस 4k हो जाएगा। ये निकला वेक्टर ए बी, और यहाँ पर वेक्टर ए बी का लेंथ निकालना, वेक्टर ए बी का लेंथ निकालना, लंबाई निकालना, लंबाई मतलब क्या? मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालना है, किसका मॉडुलस आप निकालिए, तो रूट अंडर आई कैप के गुणांक का स्क्वायर
जे कैप के गुणांक का स्क्वायर और के कैप के गुणांक का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बोलिए क्या होगा, वन ये और छह का स्क्वायर करोगे 36 और ये 16, तो देखिए इसको जोड़ कर कितना आएगा कि आपका हो जाएगा 36 और 16 तो कितना हो जाएगा 12, 2 चार एक पांच 53 निकल जाएगा सब जोड़ के, रूट अंडर कितना 53, तो क्या नंबर आंसर हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आज हम यहीं तक रहेंगे, 10 ऑब्जेक्टिव हुआ है, अभी और ऑब्जेक्टिव बाकी है, तो कल हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, हम यहीं तक रहेंगे। आज 10 ऑब्जेक्टिव हुआ है तो कल बाकी ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव में टोटल 2 दिन लगेगा, आज तो 10 क्वेश्चन बताए हैं, कल भी लगेगा ऑब्जेक्टिव में, तो कल जाके आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होगा वेक्टर का, तब हम लोग वेक्टर का क्वेश्चन बैंक चलेंगे संडे को, ये ध्यान देना कि संडे को क्लास होगा और इस संडे को वेक्टर का क्वेश्चन बैंक होगा, और क्वेश्चन बैंक तब तक होगा चाहे 1.5 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, जब तक कि वेक्टर का 10 साल का क्वेश्चन बैंक खत्म नहीं हो जाता है, तब तक वेक्टर का 10 साल का, 10 साल का पूरे क्वेश्चन है, बल्कि 10 साल का वेक्टर का क्वेश्चन तो बहुत जल्दी खत्म होगा, चूंकि आपका लेसन खत्म, ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा कल, तो बहुत सारा क्वेश्चन होगा, कुछ बना हुआ रहेगा, तो जो बना हुआ रहेगा तो उसको तो बताना है नहीं, वो तो आपको अपना जो बताया गया है आप कॉपी उल्टा के अपना देखोगे। तो आज हम यहीं तक रहेंगे, कल मिलते हैं, कल आपका ऑब्जेक्टिव ही चलेगा, अभी ऑब्जेक्टिव आपका खत्म नहीं हुआ है, और आपको पता है कि कैलकुलस में आज आपका 11:30 बजे से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का टेस्ट है, ये चीज ध्यान में रखना है कि कैलकुलस में एप्स पर आपका 11:30 बजे से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का टेस्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव। Gracias.